भारत के सभी राज्यों की खबर, खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। नमस्कार, मैं दिव्या, आप देख रहे हैं SNS TV। आइए देखते हैं महाराष्ट्र की 10 सुपर फास्ट खबरें। बुलढाणा जिले के मातोला में एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक में पीछे से टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक सवार व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई और एक व्यक्ति घायल हो गया। यह घटना कल शाम को मोताला से बुलढाणा रोड पर मूर्ति फाटे के पास हुई। देश में कोरोना एक बार फिर से तेजी से अपने पांव पसर रहा है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किए ताजा आंकड़ों के मुताबिक महाराष्ट्र में शनिवार को कोविड 19 के 172 नए मामले सामने आए हैं। हालांकि इस दौरान कोरोना से किसी की मौत नहीं हुई है। यवतमाल में मकर संक्रांति की पृष्ठभूमि में पतंग और मांझा बेचने का कारोबार तेजी से बढ़ रहा है। प्रतिबंधित नायलॉन बेल की खुलेआम बिक रहे हैं। LCB की टीम ने शुक्रवार को मारवाड़ी चौक पर छापेमारी कर विक्रेता के खिलाफ कार्रवाई की। इस बार 5.5 लाख का मांझा जब्त किया गया है। इस कार्रवाई में अवैध मांझा विक्रेताओं में हड़कंप मच गया है। जिस विक्रेता के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है उनका नाम मारवाड़ी चौक निवासी बंटी नंदकिशोर सितोविया है। नागपुर जिले के बाजारगांव स्थित एक्सप्लोसिव बनाने वाली सोलर इंडस्ट्रीज के फ्लैट में आग लग गई, जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई, वही 3 लोग घायल हुए थे। विधानसभा सत्र के दौरान इस घटना राज्य में चर्चा का विषय रही। सदन में अंदर से लेकर बाहर तक इस घटना को लेकर प्रदर्शन किया गया। घटना के 14 दिन बाद इसका असली कारण सामने आया है, जिसके तहत मानवीय भूल के कारण यह हादसा हुआ था। इस बात की जानकारी खुद कंपनी के मालिक सत्यनारायण नुवाल ने दी। नए साल के जश्न से ठीक पहले मुंबई से सटे थाने में पुलिस ने एक रेव पार्टी का भंडाफोड़ किया है। थाने पुलिस की क्राइम ब्रांच ने टीम ने इस पार्टी पर कार्रवाई करते हुए 100 से ज्यादा युवाओं को हिरासत में लिया है। 100 से ज्यादा युवाओं को हिरासत में लिए जाने के बाद पुलिस उनका मेडिकल जांच कर रही है। इस रेव पार्टी में इन लोग पर ड्रग्स सेवन करने का आरोप है। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर की बड़ी खबर की ओर, जहां हाथ के दस्ताने बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। हादसे में 6 लोगों की जान चली गई। फिलहाल आग पर फायर ब्रिगेड ने पूरी तरह से काबू कर लिया है। वही घायलों के छत्रपति संभाजी नगर के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 2024 से पहले भाजपा कार्यकर्ताओं को जगाने का प्रयास करते हुए उन्हें अपनी जीत को लेकर आत्ममुग्ध नहीं रहने और 2024 के लोकसभा चुनाव को गंभीरता से लेने की नसीहत दी है। उन्होंने पार्टी वर्कर्स को चेतावनी दी कि उन्हें यह सोचकर जमीन पर काम करना बंद नहीं करना चाहिए कि लोकसभा चुनाव में BJP के जीत निश्चित है। अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन समारोह के लिए पिंपरी चिंचवड़ के चौघड़ा वादक रमेश पाजगावे को आमंत्रित किया गया है। समारोह में रमेश पाजगावे चौघड़ा बनाएंगे। अयोध्या में राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा अभिषेक समारोह 22 जनवरी 2024 को आयोजित होने का प्रस्ताव है। समारोह के लिए छत्तीसगढ़ के चंदखुरी से लगभग 3000 क्विंटल चावल और नेपाल के जनकपुर से कपड़े, फल और 1100 प्लेट भगवान राम के लिए भेजी जाएंगी। महाराष्ट्र के मुंबई में प्रॉपर्टी विवाद में अपनी ही पत्नी की हत्या कर डाली, साथ ही बड़े भाई को भी घायल कर दिया। मामला इलाड इलाके का है। यहाँ रहने वाले 40 साल के द्रेशन दास ने अपनी 35 वर्षीय पत्नी चित्रा दास पर बेसबॉल बैट से हमला करके उसे मौत के घाट उतार दिया। साथ ही भाई दमिया दास को भी घायल कर दिया, फिर मौके से फरार हो गया।